प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार देर शाम ग्वालियर झांसी मुख्य हाईवे पर मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के तहत 42 करोड़ की लागत से निर्मित 168 पुलिस कर्मियों को आवासों के लोकार्पण के कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंची। गृह मंत्री ने इस दौरान नवनिर्वाचित आवास भवनों का अवलोकन भी किया। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कहा, दतिया में 85% पुलिस कर्मियों को आवास की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, शेष रहे 15% पुलिस कर्मियों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस कर्मी अपनी सेवाएं और बेहतर तरीके से दे सकेंगे। ड्यूटी उपरांत घर पहुंचने पर उन्हें स्वच्छ एवं सुंदर और आरामदायक सुविधा भी मिलेगी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जो 3 बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया है, इनका नाम माँ पीताम्बरा, माँ रतनगढ़ एवं माँ तारा देवी के नाम से जाने जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री के रूप में जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उसमें बेहतर एवं सर्वश्रेष्ठ बनाने के उनके द्वारा प्रयास किए गए हैं। दतिया में सम्मान किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हमेशा दतिया का एक जनप्रतिनिधि, एक सेवक होने के नाते दतिया का शेर हमेशा ऊँचा रखूँगा। उन्होंने कहा कि दतिया का विकास करना ही उनके जीवन का मुख्य मकसद है। उन्होंने कहा कि माँ पीताम्बरा के प्रार्थना से वह उन्हें कभी इतना अहंकार ना दें कि वह अपनों को भूल जाएं, बल्कि ऐसा आशीर्वाद दें वह हमेशा दतिया की सेवा करते रहें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर पलटवार भी किया।